स्टडी आईक्यू चैनल में आपका वापस स्वागत है। ये हमारी रिवर की मैपिंग का थर्ड लेक्चर है और ओवरऑल हमारी मैपिंग की सीरीज का ये लेक्चर नंबर 29 है। इस लेक्चर में हम सदर्न इंडिया की जो इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो पढ़ेंगे। अगर आपको याद है तो हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर 2 पेनिनसुलर रिवर 3 पेनिनसुलर रिवर हम पढ़ चुके हैं, महानदी, ब्रह्मानी एंड बेतरनी। ठीक है, तीन तो हम पढ़ चुके हैं जो मेनली उड़ीसा के अंदर से निकलती थी। और इन तीनों की क्या इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स हैं, कौन से इनकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ये रिवर्स उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र इम्पॉर्टेंट है। दीज आर एक्चुअली, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस जो है वो नदर्न इंडिया की जो इम्पोर्टेंट मेजर रिवर्स है, जो मेजर वाटर सप्लाई करती है, बिल्कुल उसी तरह गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पेनिनसुलर इंडिया की, सदर्न इंडिया की बहुत ही बड़ी मेजर रिवर्स हैं। इन पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट डैम्स बने हुए हैं, इन पे बहुत इम्पोर्टेंट कैनाल के प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं, इनको लेके इंटर स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट भी चलता रहता है, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम बाकी सारे लेक्चर्स में करते आए हैं, हम इसका नोट्स बनाएंगे। और नोट्स का हमने क्या तरीका ढूंढ रखा है, हमने दो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, रिवर कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो कोई और दूसरी अगर फैक्चुअल डिटेल है उसके बारे में, और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज में उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो इस तरीके से वन बाय वन हम इन सारी रिवर्स को कवर करते हैं। तो ये मैंने इंडिया का एक रिवर बेसिन का मैप रखा है, ये पूरा इंडस का रिवर बेसिन है। रिवर बेसिन हमने कहाँ बताया था कि वो पूरा एरिया जो है मेन जो वाटर इंडस रिवर है, जो मेन रिवर है उसमें वाटर का सप्लाई में कंट्रीब्यूट करती है। और ये पूरा का पूरा एरिया देखो ये गंगा का है। अभी आप पूछोगे कि गंगा का इतना बड़ा एरिया कैसा है, तो देखो ये तो हमारी मेन गंगा रिवर है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में ये यमुना है जो गंगा में कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे बनास हो गई, चंबल हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, ये सारी की सारी यमुना में, और यमुना इवेंचुअली गंगा में कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए देखो इसका बेसिन इतना बड़ा है कि जितनी भी रिवर्स फाइनली आके गंगा में मिलती है वो सारी गंगा का रिवर बेसिन बनाती है। और ब्रह्मपुत्र का ये हम देख चुके हैं, और ये हमने बराक रिवर का देखा था जो सूर्या और मेघना रिवर की एक्सटेंशन में थी और आगे बांग्लादेश में इधर एंटर हो जाती थी। और ये ब्रह्मपुत्र हम देख चुके हैं जो यहाँ पे तिब्बत से निकल के यहाँ पे दिहांग बना के लोहित और सियांग से निकल के आसाम में ब्रह्मपुत्र कहलाती थी, और धुबरी के पास ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। और फिर हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे ब्रह्मानी, बेतरनी और देख लिया, और फिर हमने महानदी वाला एरिया भी देख लिया। ये सारा एरिया हम देख चुके हैं। दामोदर क्या थी, हमारी गंगा की एक ब्रांच, ये सारा हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर क्या करेंगे, ये गोदावरी का एरिया देखो इसका कितना बड़ा रिवर बेसिन है। और यहाँ पे ये देखो कृष्णा का एरिया, कृष्णा का देखो एक ट्रायंगुलर की तरह जो है रिवर बेसिन बन रहा है। और गंगा और सॉरी कृष्णा और गोदावरी जो है इनका जो ये माउथ है, जो डेल्टा है, ये बिल्कुल पास पास में है देखो। उसके बाद में हम पेन्नार रिवर कवर करेंगे, और उसके बाद में हम कावेरी रिवर कवर करेंगे। कावेरी रिवर बहुत इम्पोर्टेंट है, कावेरी रिवर पे तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी चलते रहते हैं। तो आज हम ये चार इम्पोर्टेंट रिवर्स कवर करेंगे। तो कवर करें उससे पहले हम हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर पे डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, क्यों दोनों का नेचर जो है वो अलग अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। हिमालयन रिवर जैसे कि हमने सबसे पहले रिवर वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करा था कि ये परीनियल इन नेचर है। परीनियल का मतलब है कि हर साल पूरे साल भर चलती है, पूरे साल भर ये चलती रहती है। और क्यों चलती है, क्योंकि इनको जो पानी की सप्लाई है वो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, जो स्नो है उसके मेल्ट होने से मिलती है और रेनफॉल से मिलती है, बारिश तो होती है ही, तो इन दोनों से इसकी वाटर सप्लाई होती है।
वेरेज जो पेनिनसुलर है ये सीजनल इन नेचर है। सीजनल इन नेचर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर तो कोई आइस और कोई स्नो कैप, कोई स्नो कैप या फिर कोई ग्लेशियर्स है नहीं। यहाँ पे पानी का सप्लाई का रिसोर्स क्या है? ओनली रेनफॉल। और रेनफॉल पूरे साल भर होता नहीं है, सीजन के अकॉर्डिंग होता है। तो समर्स के अंदर ये ड्राई हो जाती है और जब बारिश का सीजन आता है तो इनमें फुल वॉल्यूम में पानी बहता है। हिमालयन रिवर्स जो हैं वो काफ़ी इरोजन करती हैं और मतलब काफ़ी ग्रेट फ्लो से वाटर करती हैं। तो इसके दो रीजन से, एक तो क्या है, हम इसको हटाते, एक तो क्या है कि हिमालय की जो है हाइट बहुत है। और हमने क्या देखा था कि अगर नदी जितनी ज़्यादा हाइट से आती है, जितने ज़्यादा स्लोप के ऊपर होती है, उसमें उतने ही पावर के साथ वो वर्टिकल इरोजन भी करती है और पानी का वॉल्यूम भी ज़्यादा है। दो चीज़ें हो गई, एक तो हाइट ज़्यादा है किसकी, इनके ओरिजिन की जहाँ से ये निकलती हैं, और दूसरा पानी का वॉल्यूम भी ज़्यादा है, स्नो एंड रेनफॉल। फिर इस पेनिनसुलर में क्या है कि कम, और तीसरा ये भी है, तीसरा इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो हिमालयाज है ना ये सेडिमेंट से बने हुए हैं और जो सेडिमेंट्स हैं वो जल्दी इरोड हो जाते हैं इनकी, ये बहुत जल्दी, क्योंकि सेडिमेंट, सेडिमेंटल रॉक्स क्या होती है, सेडिमेंटल रॉक्स होती है कि डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स जब सेडिमेंट्स बने, फिर सेडिमेंट्स में थोड़ा प्रेशर बना तो वो जो भी सेडिमेंट्स होते हैं वो एज ए रॉक बन जाते हैं। तो जो सेडिमेंटल रॉक्स होती है उनका इरोजन जल्दी हो जाता है क्योंकि एक तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होता है। वेरिस जो पेनिनसुला वाला एरिया है ये तो है डेकन का एरिया, राइट? और डेकन का एरिया हमने क्या पढ़ा था, ये वोल्केनिक है, इसका जो ओरिजिन है ये वोल्केनिक है। और वोल्केनिक वाली जो चट्टाने होती है ये इजीली इरोड नहीं होती है, ये इनको इरोड करने में बहुत पावर लगता है। इन जो रॉक हैं वो बहुत ही टफ एंड स्ट्रॉन्ग रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह नहीं है। और दूसरा क्या, दूसरा रीजन क्या कि जो वेस्टर्न घाट है जहाँ से ये मोस्टली रिवर्स ओरिजिनेट होती है, इसकी हाइट कंपैरेटिवली हिमालय के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। हिमालय तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, वेर इज वेस्टर्न घाट इतना ऊंचा नहीं है। मैक्सिमम इसका कितना, 2500 मीटर के आसपास हमारा मैक्सिमम पीक था, ठीक है? और इसका कितना था, अराउंड 8000 मीटर्स। तो देखो आप, डबल से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट ट्रिपल के पास है। और तीसरा क्या रीजन है कि वाटर का वॉल्यूम आप समझ ही गए हो कि यहाँ पे सिर्फ बारिश है और वो भी सीजनल है, तो पानी का वॉल्यूम कम है, तो इस वजह से इरोजन लेस होता है, ठीक है? तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि कैसे हमारा रॉक हो गया, स्लोप हो गया, जो मटेरियल जिस पे ये बहती है, या फिर पानी के वॉल्यूम, ये सब चीजें इरोजन पे कितना फर्क डालती है। और इरोजन पे अगर फर्क होता है तो कम, इसका मतलब है कि जो सेडिमेंट बन रहा है, जो डेल्टा बनेगा उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो जहां जहां से नदी जाएगी, जहां जहां पे वो अपना सेडिमेंट डिपोजिट करेगी वहां पे भी फर्क पड़ेगा। इसीलिए जो गंगा का एरिया होता है, गंगा के आसपास वाला, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया अपना, ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है। वेस्ट बंगाल हो गया, फर्टाइल क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी एलुवियल मिट्टी जो है, एलुवियल सॉइल वो लाके डिपोजिट करती है। वेरेज इधर देखो आप, गोदावरी कृष्णा, डिपोजिशन होता है, लैंड बहुत फर्टाइल है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें तो गंगा का जो लैंड है वो ज्यादा फर्टाइल है। तीसरा है इसमें डिफरेंस कि ये जो रिवर्स होती है ये मियंड्रिंग बहुत करती है। मियंड्रिंग का मतलब क्या होता है कि सर्पिलाकार आकार में ऐसे ऐसे चलती है। और ये पेनिनसुलर जो रिवर्स है ये स्ट्रेट चलती है। इसके मियंड्रिंग का रीजन, एक तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो सेडिमेंट डिपोजिशन करती है इसकी वजह से ये मियंडर करती है। और तीसरा, दूसरा कि ये स्लोप में से जाती है, इस तरह से इसका स्लोप होता है। और ये वाली जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये मोस्टली स्ट्रेट होती हैं और ये ओरिजिनेट हिमालय से होती है। और ये छोटी छोटी जो वेस्टर्न घाट के पहाड़ी या फिर जो प्लेट्यू है, डेकन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहां से ओरिजिनेट होती है। हिमालयन रिवर जो है ये नदन प्लेन को इरिगेट करती है, अभी हमने देख लिया। और ये किसको इरिगेट करती है, डेकन प्लेट्यू को। मतलब आप ऐसे देख लो कि नदन वाला जो पार्ट है इंडिया का वो हिमालयन रिवर से इरिगेशन लेता है, और जो पेनिनसुलर वाला, जो सदन वाला पार्ट है वो पेनिनसुलर रिवर से इरिगेट होता है। जो हिमालयन रिवर के बेसिन है वो बहुत फर्टाइल होते हैं, ये रीजन मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल होती है और डिपोजिशन बहुत अच्छा होता है। और दूसरा देखो, एक ये भी है कि क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब एलुवियल सेडिमेंट आ रहा है हमारा, जब रिवर में से सेडिमेंट बह रहा है, तो क्या होता है कि हर साल फ्रेश सेडिमेंट आता है। जैसे नदी बही, लो लो फ्लड एरिया वाले जो एरिया होते हैं वहां पे
जब अच्छी खासी नदी में पानी होता है तो वो अपना सेडिमेंट उसके ऊपर डिपॉजिट कर देती है, तो फिर अगले साल जब वहाँ पे खेती होती है तो नई मिट्टी होती है। नई मिट्टी मतलब उसमें नए रिजनरेटेड फर्टाइल्स मिनरल्स वगैरह होंगे, तो वो जमीन है ऑटोमेटिकली फर्टाइल हो जाती है। पर इस पेनिनसुलर रिवर्स में ऐसा नहीं होता है, तो ये कंपैरेटिवली कम फर्टाइल होती है। हिमालयन की जो रिवर्स हैं वो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है। देखा था हमने कि गंगा जो रिवर है वो कहाँ से, गंगोत्री से निकल के फिर कितने सारे स्टेट्स कवर करके बांग्लादेश के वाया यहाँ पे अपना डेल्टा बना दी थी। वेर इज पेनिनसुलर की जो रिवर्स है ये कंपैरेटिवली कम लंबी होती है। कुछ रिवर जो हैं वो इसमें ऐसे भी डिफरेंस हो जाता है कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न है, जैसे अगर ये हमारा वेस्टर्न घाट है तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है, हमने देखा था कि उनकी जो रिवर कोर्स है वो तो और भी छोटा है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे अरेबियन सी में गिर जाती है। वेर इज अगर रिवर ईस्ट फ्लोइंग है जैसे गोदावरी कृष्णा है, तो वो कंपैरेटिवली और भी थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन पेनिनसुलर की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो तो बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस कवर करती है, तो उस छोटे से डिस्टेंस में वो रॉक को इरोड भी नहीं करती है और सेडिमेंट भी नहीं बनाती है, तो डेल्टा भी नहीं बनाती है। और ये कुछ एग्जांपल्स दे के रखे हैं कि जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये हमारी मेजर हिमालयन रिवर्स हैं। और पेनिनसुलर रिवर्स में कौन सी आती है, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पेनिनसुलर रिवर के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको इनको सिर्फ रटना नहीं है, आपको इनको लॉजिक के साथ याद रखना है। अगर कोई बोलता है कि हिमालयन रिवर के जो फ्लड प्लेन्स हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, तो हमें उसके पीछे ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट क्या है कि वो फर्टाइल क्यों होते हैं। अगर कोई बोलता है कि पेनिनसुलर रिवर की जो पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं उनमें ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं होता है, तो हमें पता करना है, हमें पता है कि सेडिमेंट डिपॉजिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का रॉक ऐसा है, एल्टीट्यूड ऐसा है, फिर वहाँ पे पानी का वॉल्यूम कम है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगा के, कॉन्सेप्ट समझ के ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं गोदावरी का रिवर सिस्टम। अच्छा, गोदावरी का जो रिवर सिस्टम है ये पेनिनसुलर रिवर की सबसे बड़ी है। ऐसे लार्जेस्ट रिवर हमने कौन सी देखी थी, ब्रह्मपुत्र ऑल ओवर इंडिया की, और लॉन्गेस्ट रिवर हमने कौन सी देखी थी, गंगा रिवर, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, नीचे वाला जो हमारा पेनिनसुलर डेकन पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, तो इसके अंदर जो गोदावरी है ये लार्जेस्ट रिवर है, और इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है क्योंकि ये इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है, तो इसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो नासिक है महाराष्ट्र में, उसके पास त्र्यंबकेश्वर है एक जगह, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी का ओरिजिन होता है। और फिर ये लगभग 1465 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती हुई बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसे एक्चुअली अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, जैसे एक तो इसे दक्षिण गंगा भी बुलाते हैं और इसे वृद्ध गंगा भी बुलाते हैं। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा इसके दो नाम है। अच्छा, ये सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर क्यों है हमने देख लिया था, क्योंकि इसमें जो पानी का सप्लाई है वो रेनफॉल के वाया होता है, और रेनफॉल के वाया होता है का मतलब है कि हर हर महीने उतना पानी नहीं आएगा, जब बारिश का सीजन होगा तभी पानी का फ्लो ज्यादा होगा, तो ये जनरली समर्स के अंदर ड्राई हो जाती है, और जैसे ही मॉनसून आता है तो इसमें पानी का फ्लो ज्यादा होता है और इसकी जो विड्थ है वो भी बढ़ जाती है। अगर हम इसके बेसिन की बात करें कि इसका बेसिन कहाँ कहाँ पे किस तरीके से बाउंड है, तो ऊपर ये सतमाला रेंज से, इधर ये अजंता रेंज से और महादेवो हिल से, और ईस्टर्न घाट यहाँ पे ईस्टर्न घाट से, और यहाँ पे वेस्ट में वेस्टर्न घाट से, इस तरीके से ये पूरा बाउंडेड एरिया है। तो कौन कौन सी एरिया इसके बेसिन के अंदर आते हैं, सतमाला का, अजंता का, महादेव हिल का, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कौन से स्टेट से निकलती है, तो एक तो हमने देख ही लिया था कि ये महाराष्ट्र से तो ओरिजिनेट हो रही है, उसके बाद इसका जो ड्रेनेज है वो मध्य प्रदेश का एरिया, तेलंगाना का एरिया, आंध्र प्रदेश का एरिया और उड़ीसा का एरिया बनता है। तो ये हमें स्टेट्स ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगर हम ये इसके फर्टाइल डेल्टा की बात करें, जहाँ पे ये अपना जो सेडिमेंट है डिपॉजिट करती है, वो उसे राजामुंद्री बोलते हैं। राजामुंद्री एक जगह है जो जो इसका फर्टाइल डेल्टा है। यहाँ पे कुछ पिलग्रिम साइट्स भी हैं जो रिलीजियस साइट्स हैं, जैसे कि हमने महानदी के
तट पे देखा था कि जगन्नाथपुरी था, तो उसी तरीके से गोदावरी के तट पर भी काफी सारी पिलग्रिम साइट्स हैं, जैसे कि नासिक हो गया, जैसे कि भद्राचलम है हमारा, जैसे कि त्रिम्बक है हमारा। और इसकी जो कुछ अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो ट्रिब्यूटरीज के अंदर जैसे ये हमारी है पर्णहिता। पर्णहिता जो है, आप ऐसे लिख लो इसे, पर्णहिता जो है वो पेन गंगा प्लस वर्धा के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। मतलब वर्धा और पेन गंगा का जब कॉन्फ्लुएंस होता है, तब हमारी पर्णहिता बनती है, और पर्णहिता आगे चल के गोदावरी रिवर में मिल जाती है। तो इवेंचुअली हमारी क्या हो गई, पेन गंगा और वर्धा भी गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा और कौन सी ट्रिब्यूटरी हमारी, इंद्रावती रिवर, बिंदुसरा रिवर, सबरी रिवर और मंजीरा रिवर। ये सारी पांच रिवर इम्पॉर्टेंट हैं। हम इसे राइट और लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज में भी देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये पांच नाम आपको भूलने नहीं हैं बिल्कुल भी। अच्छा, एशिया का एक बहुत ही बड़ा रेल कम रोड ब्रिज बना हुआ है, और वो कहाँ पे बना हुआ है, गोदावरी रिवर पे, जो किसको लिंक करता है, कोवूर को राजामुंद्री से। राजामुंद्री क्या था, हमारा फर्टाइल लैंड था। तो ये एशिया का लार्जेस्ट रेल और रोड का ब्रिज बना हुआ है इसी रिवर पे। हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। ट्रिब्यूटरीज में इसके सात इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक को हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो हम यहाँ पे खड़े होके इस तरफ देखेंगे और देखेंगे कि हमारा राइट इस तरफ है और हमारा लेफ्ट इस तरफ है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इसको यहाँ से मिलती है इस डायरेक्शन से, तो उसमें कौन सी आएगी, धरना रिवर, ब्रावारा रिवर, सिंधपाना रिवर, मंजरा रिवर, पेडुवागु रिवर, माने रिवर और मुल्ला रिवर। इसमें से हमें धरना रिवर, मंजरा रिवर, मानेर और मुल्ला, ये तो हमें याद ही रखना है। उसके अलावा कौन सी हो गई, प्रावरा रिवर, सिंधपाना रिवर और पेडुवागु रिवर हो गई हमारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, तो हमारी धरना रिवर, पेन गंगा रिवर, वेन गंगा रिवर, वर्धा रिवर। तो वर्धा और पेन गंगा मिलके क्या बनाती है, पर्णहिता। ठीक है, ये हमने देखा था। और देखो यहाँ पे भी लिखा है कि वर्धा और वेन गंगा, वर्धा वेन गंगा और पेन गंगा तीनों मिलके, वर्धा वेन गंगा और पेन गंगा पर्णहिता में मिल जाती है, और ये पर्णहिता आगे जाके गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा पेंच, कान्हन, सबरी एंड इंद्रावती, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेंच। पेंच से कंफ्यूज नहीं होना है, पेंच हालांकि हमने कहाँ पढ़ा था, एमपी में। तो हमें ये नहीं सोचना है कि एमपी तो सेंट्रल इंडिया में है, गोदावरी तो वेस्ट सदर्न में है, तो पेंच इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं होगी। नहीं, हमने क्या देखा था, इसका रिवर बेसिन एमपी में भी है। तो ये पेंच इवन दो एमपी के अंदर से आती है, बट इसका जो ये जो ट्रिब्यूटरी है ये गोदावरी की है। तो एक बार फिर से देख लें कौन कौन सी हो गई, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करना है। धरना रिवर, पेन गंगा रिवर, वेन गंगा रिवर, वर्धा रिवर, पर्णहिता रिवर, पेंच रिवर, कान्हन रिवर, सबरी रिवर एंड इंद्रावती रिवर। ये नौ रिवर्स, इनमें से मैं किसी को भी कट नहीं करूंगी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हम इसका एक बार पूरा वाटरशेड एरिया देखें, तो देखो कहाँ है हमारी, ये है हमारी गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर में हम तो गोदावरी रिवर में हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ट्रिब्यूटरीज में कौन सी हो जाएंगी हमारी, ये है हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कान्हन रिवर, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, ये तीनों मिलके, ये देखो ये वेन गंगा वर्धा मिल गई यहाँ पे, फिर ये वेन गंगा और ये पेन गंगा और वर्धा मिली पहले, फिर ये दोनों वेन गंगा के साथ मिली और ये यहाँ पे पर्णहिता बन गई। दिस इज पर्णहिता, और पर्णहिता बाद में गोदावरी से आके मिल गई। और यहाँ पे पेंच, ये देखो मध्य प्रदेश से निकल रहा है, और पेंच और कान्हन, जो कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कान्हा और पेंच जो है वो गोदावरी रिवर के बेसिन में है। हमारी इंद्रावती और सबरी, ये हो गई हमारी सारी
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हमने कौन सी देखी थी, प्रावरा, मुल्ला, मंजरा, माने और पेडावगु, ये सारी की सारी कौन सी हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ये हमें ध्यान रखना है। और यहीं पे देखो ये राजा मुदरी ब्रिज, जो हमने क्या बताया था कि एशिया का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज बना हुआ है, दिस इज हियर पोलावरम के नीचे यहाँ पे, और ये आगे जाके इतना बड़ा डेल्टा बना दी है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसका डेल्टा आपको देखना है कि आंध्र प्रदेश के अंदर बनता है। स्टेट कौन सा लगता है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है ये गोदावरी के बाद सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुला रिवर की। पहले गोदावरी है सबसे बड़ी पेनिनसुलर की और उसके बाद में कृष्णा है। कृष्णा रिवर की अगर बेसिन की बात करें कि ये कौन कौन से स्टेट से निकलती है, तो हम क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र और कर्नाटका। हम इसे ऐसे बोलेंगे कि ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के एरिया से निकलती है। और अगर हम बात करें कि इसका बेसिन कहाँ कहाँ से बाउंडेड है, तो ऊपर जो है हमारा जो बालाघाट रेंज है वो आता है। इधर ईस्ट में ईस्टर्न घाट है और यहाँ पे वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से तो सारी पेनिनसुला रिवर बाउंडेड है। नॉर्थ के अंदर कौन सा है, बालाघाट रेंज, ये वाला नॉर्थ में इसके बाउंड करता है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र के अंदर एक 17 डिस्ट्रिक्ट है, 17 डिस्ट्रिक्ट में जोर विलेज है, जोर विलेज से ये निकलती है। गोदावरी कहाँ से देखी थी हमने, नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिम्बकेश्वर के पास से। और कृष्णा कहाँ से निकलती है, 17 डिस्ट्रिक्ट में जोर विलेज के पास से। ठीक है, अगर इसके टोटल लेंथ की बात करें तो ये अराउंड 1400 किलोमीटर लंबी है, और गोदावरी हमने कितनी लंबी देखी थी, 1465 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस जो डिफरेंस है वो सिर्फ 65 किलोमीटर का ही है, 65 किलोमीटर्स का। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कृष्णा है वो सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। कृष्णा रिवर का जो मेजॉरिटी ऑफ द बेसिन है वो एग्रीकल्चर लैंड में है, उसका एरिया एग्रीकल्चर लैंड के लिए काम आता है। मतलब ये इसके आसपास का जो एरिया है वो काफी फर्टाइल है, और ये अपना जो डेल्टा है वो भी शोर लाइन पे अराउंड 120 किलोमीटर का बड़ा बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। और क्योंकि हमने पहले भी डायग्राम में देखा था कि गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है वो बहुत पास में था, ये गोदावरी का डेल्टा था यहाँ पे और यहाँ पे कृष्णा का डेल्टा है, तो ये अराउंड 35 इतना बड़ा है कि ये दोनों मर्ज होके समुद्र के अंदर 35 किलोमीटर तक आगे एक्सटेंड हो जाता है, इतना बड़ा इनका डेल्टा बनता है। कृष्णा रिवर की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो जाएगी, घाट प्रभा, मल प्रभा और तुंगभद्रा, ये तीनों याद रखना है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं घाट प्रभा, मल प्रभा और तुंगभद्रा। अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इट्स भीमा, मुशी और मुन्नेरू, ये तीन हो जाएंगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, भीमा, मुशी और मुन्नेरू। ये देख लेते हैं हम इसका डायग्राम। तो हमने कौन सी देखी थी, भीमा, मुन्नेरू और मुशी, कहाँ दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा है, ये है हमारी कृष्णा रिवर। तो ये कौन सी थी हमारी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और इसी के ऊपर नागार्जुन सागर भी बना हुआ है। और हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी थी, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, मेजर यही थी। और इनमें तुंगभद्रा को अगर हम देखेंगे तो तुंगभद्रा देखो, ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएगी, वर्धा रिवर, तुंगा रिवर और वेदावती रिवर। ये तुंगा रिवर और वर्धा रिवर जब आगे जाके मिलती है तो ये तुंगभद्रा रिवर कहलाती है, और फिर यहाँ पे आगे जाके वेदावती रिवर भी तुंगभद्रा से मिलती है और ये कृष्णा में अपना पानी कंट्रीब्यूट करती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कृष्णा बेसिन में लेफ्ट और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। अगर हम इसके बेसिन को आप स्टेट वाइज देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये एक महाराष्ट्र में कवर हो रहा है, फिर ये कर्नाटका में, पेन का कलर चेंज करते हैं हम, सेम सेम सा कलर हो रहा है, ये देखो महाराष्ट्र में कवर हो रहा है इसका ये वाला एरिया। ठीक है, और फिर ये वाला एरिया जो है इसका कर्नाटका बेसिन के अंदर है, यहाँ से
और फिर आगे वाला एरिया इसका आंध्र प्रदेश बेसिन के अंदर है। तो ये तीन स्टेट्स को कवर करती है और ये पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। उसके लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमें ध्यान रखनी है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया? गोदावरी कवर कर लिया और कृष्णा कवर कर लिया। अब ये देखो मैंने क्या बताया था, गोदावरी और कृष्णा का जो माउथ है वो बिल्कुल एक दूसरे के पास में है, और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ये रिवर में अराउंड 35 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, मतलब समुद्र में 35 किलोमीटर तक इनका जो डेल्टा का सेडिमेंट है वो डिपोजिट होता है। तो ये देखा हमने, ये गोदावरी और कृष्णा रिवर हमारी कवर हो गई। अब यहाँ पे नीचे आपको दिखेगी कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की जो लोकेशन है वो बहुत स्पेसिफिक है, आप इसकी लोकेशन को एक बार ध्यान रख लोगे कहाँ पे लोकेटेड है ये, ठीक है। ये यहाँ पे लोकेशन है, तमिलनाडु के अंदर मेजरली आता है। तो कावेरी जो है इसे साउथ की गंगा भी बोलते हैं, और कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटका कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है कर्नाटका में ब्रह्मगिरी रेंज से, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो लगभग 800 किलोमीटर है, जो काफी कम है। गोदावरी की हमने कितनी देखी थी? 1465, और कृष्णा की हमने कितनी देखी थी? अराउंड 1400 किलोमीटर, और कावेरी की कितनी देख रहे हैं हम? 800 किलोमीटर। तो इसका जो बेसिन है, इसका जो रिवर कोर्स है वो कंपैरेटिवली काफी छोटा है। अगर हम देखेंगे ये कौन से स्टेट्स कवर करती है, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी से होके निकलती है। यूनियन टेरिटोरी हमारी जो है पुडुचेरी, उससे होके निकलती है। तो तीन स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी से निकलती है। अगर हम बात करें कि इसका जो बेसिन है वो कहाँ कहाँ से बाउंड है, तो ये एक तो वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न घाट से तो बाउंडेड है ही, लेकिन लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जो कावेरी और कृष्णा है ये पेन्नार रिवर से बिल्कुल सेपरेट हुई हुई है। पेन्नार रिवर जो है वो, पेन्नार का बेसिन जो है वो कृष्णा और कावेरी को, यहाँ पे देखो, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। कावेरी का जो डेल्टा है वो बहुत ही फर्टाइल वाले एरिया में आता है, और फर्टाइल के एरिया में आने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है उसका अच्छा खासा अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल अच्छी मिलती है, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स मिलती है। तो आपको ये पता है कि अगर अच्छी सॉइल है तो इसका मतलब है कि जो खेती के अंदर फर्टिलिटी होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसका जो रेड सॉइल है वो मोस्टली इसके बेसिन वाले एरिया में मिलता है। बेसिन वाला एरिया कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रेड सॉइल मिलता है, यहाँ पे रेड सॉइल है। लेकिन अगर इसके डेल्टा के एरिया के पास की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी होती है। तो आप देखो इसमें कितना वेरिएंट है, इसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी होता है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनना। मैंने आपको उसकी लोकेशन अच्छे से ध्यान रखने के लिए बोला था, तो लोकेशन से हमने क्या देखा कि इसका जो बेसिन है ये दो मानसून में पड़ता है। हमें पता है कि हमारा एक तो साउथ वेस्ट मानसून होता है और एक हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। इसका जो, और जो तमिलनाडु के अंदर बारिश होती है, इसको हम हटा देते हैं, पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। तमिलनाडु के एरिया में जो बारिश होती है वो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है उससे होती है, ठीक है। और साउथ ईस्ट वाला जो, साउथ वेस्ट वाला जो मानसून है उससे भी तमिलनाडु में थोड़ी सी बारिश होती है। यहाँ पे एटलीस्ट कर्नाटका में तो बारिश होती है सह्याद्री के पास। तो कावेरी का बेसिन, आप इसकी लोकेशन देखो, इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये साउथ वेस्ट मानसून के बारिश से भी पानी मिलता है इसको, और नॉर्थ, साउथ ईस्ट हो गया ये, साउथ ईस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून दोनों से इसको, गलत बोल दिया मैंने, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून, सॉरी ये थोड़ा मेरा डायरेक्शन इधर उधर हो गया। तो दोनों से, साउथ वेस्ट मानसून जो इधर से आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे इसका लोकेशन है, तो साउथ वेस्ट मानसून से और नॉर्थ ईस्ट मानसून से दोनों से इसको बारिश का पानी मिलता है। तो इसकी वजह से इसका जो कैचमेंट है इसमें पानी की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट पूरे साल रहती है। जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून हटता है वैसे ही नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाता है। तो इसकी वजह से ये ऑलमोस्ट परिनियल रिवर है, मतलब पूरे साल बहती है। वेर इज गंगा,
गोदावरी और कृष्णा में क्या था कि उनके अंदर सिर्फ सीजनल रेनफॉल होता है, कावेरी में भी सीजनल रेनफॉल है लेकिन इसमें दो मॉनसून का पानी मिलता है, तो इसकी वजह से ये ऑलमोस्ट परिनियल रिवर है। इसमें जो पानी की सप्लाई है, जो पानी का वॉल्यूम है, वो समर्स के अंदर कम नहीं होता है, समर में भी अच्छा खासा पानी अवेलेबल रहता है, तो इसकी वजह से कम फ्लक्चुएशन होता है पानी के वॉल्यूम में। तो इसकी वजह से इसका जो यूज है वो इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए बहुत होता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से कावेरी के रिवर बेसिन को दो किस तरीके से कावेरी के रिवर बेसिन को दो मॉनसून का पानी मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट इधर से आने वाला यहाँ पे बरसता है और साउथ वेस्ट से इसको पानी मिलता है, तो इसलिए ये पूरे साल भर अच्छा खासा वॉल्यूम में पानी रखती है। कावेरी की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी इसकी हारंगी रिवर, हेमावती रिवर, शिमशा रिवर और अर्कावती रिवर। ये चार इंपॉर्टेंट इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, लक्ष्मण तीर्था, कबानी, सुवर्णावती, भवानी और नोयल और अमरावती। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। एक बार फिर से देखें, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में है हारंगी रिवर, हेमावती रिवर, शिमशा रिवर और अर्कावती रिवर, वेयर इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में है इसमें लक्ष्मण तीर्था, काबानी रिवर, सुवर्णावती रिवर, ये सुवर्णावती रिवर है, मैंने शायद पहले प्रोनंसिएशन गलत कर दिया था इसका, भवानी रिवर, नोयल रिवर और अमरावती रिवर, ये सारी कावेरी रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज देख ली। तो ये देखो, ये यहाँ से ये है हमारी कावेरी रिवर का कोर्स, ठीक है, जो तमिलनाडु में आके अपना डेल्टा बनाती है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे हो जाएंगी, देखो हारंगी रिवर, काबानी रिवर, भवानी रिवर, नोयल रिवर, अमरावती रिवर, ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। वेर इज अर्कावती हमें कहाँ पे दिख रहा है, शिमशा रिवर कहाँ पे दिख रहा है, शायद उसमें मेंशन नहीं है, तो ये वाली इधर से इसकी, ये रही शिमशा रिवर, शिमशा रिवर ये रही, हेमावती, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये हो गया हमारा कावेरी का बेसिन, ठीक है। अब हम चलते हैं पेन्नार रिवर सिस्टम पे। पेन्नार रिवर सिस्टम का हमने लोकेशन अगर आप देखोगे तो इसे कावेरी रिवर और जो कृष्णा रिवर था उसके बीच में लोकेटेड है ये। इट इज बाउंडेड बाय कृष्णा एंड कावेरी रिवर। इसको जो है ये उत्तरा पिनाकिनी भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है उत्तरा पिनाकिनी। और अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ये कर्नाटका में चेन्ना कासावा नाम की एक हील है, चेन्ना कासावा नाम की हील से इसका ओरिजिन होता है कर्नाटका में। इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 597 किलोमीटर है, अराउंड 600 किलोमीटर मान लो इसको, अराउंड 600 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। अगर हम बात करें कि इसका जो बेसिन है वो कौन कौन से स्टेट्स में कवर होता है, तो सिर्फ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इसका बेसिन कवर होता है। ये जो है ये फेन शेप्ड बेसिन है एक, जो तीन तीन रेंज से बाउंडेड है। नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये इरामल्ला, जो हमारा ईस्ट वेस्ट ईस्टर्न घाट है उसका नल्ला मल्ला वेली कोंडा रेंज, ये ईस्टर्न घाट की तीन रेंजेस से बाउंडेड है। और अगर हम बात करेंगे तो साउथ के अंदर ये नंदी दुर्ग हिल है उससे बाउंडेड है, यहाँ पे नंदी दुर्ग हिल से बाउंडेड है ये। इसके अंदर एक बहुत ही पॉपुलर रेंज है जिसका नाम है सेसाचलम। सेसाचलम जो है ये एक बायोस्फेयर रिजर्व भी है आंध्र प्रदेश के अंदर, और जो रेड रेड सेंडर्स जो होते हैं उनके लिए काफी इल पॉपुलर है एक्चुअली ये। पेनार रिवर के अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें राइट बैंक के अंदर सिर्फ दो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जया मंगाली और कुंदेरू, दो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी है, चिरावती और पापागनी रिवर्स, ये दो इसकी
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये देखो चिरावती और पापागिनी रिवर और बाहुआ नदी, ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में है उसकी कुंदेरू, पेन्ना, पेनार तो हमारी रिवर हो गई, सागीलेरू और कौन सी थी हमारी, जयामंगला रिवर, जो यहीं पे होगी, इसमें शायद मेंशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा पेन्नार रिवर का ट्रिब्यूटरीज और इसका बेसिन का एरिया। बेसिन ये कौन से दो स्टेट में कवर करता था, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये देखो कर्नाटका के अंदर इसका कितना छोटा सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, और आगे जाके ये वाला पार्ट बस थोड़ा सा है। मेजोरिटी ऑफ द बेसिन अगर इसकी बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और ये आंध्र प्रदेश के पास के कोस्टल एरिया के अंदर ही बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सारी इम्पोर्टेंट रिवर, उनके बेसिन, उनके ट्रिब्यूटरीज, कौन से स्टेट से निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आज हमने कवर कर लिया है। अगला वाला जो चैप्टर, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, उसमें हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखेंगे। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, जो अरेबियन सी के अंदर गिरती है। अरेबियन सी के अंदर गिरने वाली रिवर्स जो है, एक तो उनकी लेंथ जो है वो कंपेरेटिवली कम होती है, लेंथ लेस होती है, और दूसरा वो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि उनमें सेडिमेंट्स नहीं होते हैं, और सेडिमेंट्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इरोजन नहीं कर पाती है। और ज्यादा इरोजन क्यों नहीं कर पाती है, क्यों, क्योंकि उनका एक तो रिवर कोर्स छोटा होता है, पानी का वॉल्यूम कम होता है, और जो चट्टान होती है जिसके ऊपर से वो निकलती है वो भी वोल्केनिक नेचर की है मोस्टली, इसलिए वो इरोड नहीं होती है इजिली। तो ये सारे रीजन हैं। बाकी और कौन कौन सी हैं, जैसे कि हम लोग लूनी कवर करेंगे, हम माही रिवर कवर करेंगे, नर्मदा तापी कवर करेंगे, हम ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स, और बाकी हम ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी वेस्ट फ्लोइंग छोटी छोटी सह्याद्री से निकलने वाली रिवर्स हैं, इन सबको हम कल स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।